नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम यहाँ पे चांद नगर इलाके में जहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे बड़े पैमाने पर तोड़क कार्रवाई की गई है। तरीके से जो बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई। यहाँ पे जो रह रहे थे उनका कहना है कि यहाँ पे उनका सामान निकालने का भी उनको मौका नहीं दिया गया। आइए उन घर वालों से पूछते हैं कि यहाँ पे जिस वक्त कार्रवाई की गई उनके साथ क्या हुआ। अरे वो घसीट के निकाले या सब बोरिया मेरा सर सामान बांध के निकाल दिए जबरदस्ती से। मेरा खाने का पतेली खाना फेंक दिए, खाना पकड़ा दिया हाथ में। जाओ, मैं सोची बच्चे लोग के लेके कहाँ जाओ, बोले जाए जहाँ जाओ। वो कह भी रहे, कह रहे हमारे बच्चे छोटे मत लेके जाओ मत, तो सुन रहे ना, रूम खाली करने का टाइम दिए। बोले नहीं बच्चे तो बच्चे, हम क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे लेके कहीं भी जाओ। बोले ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, बोले हमारे से थोड़ी ना पूछिए घर लिए खाने का सामान। ऐसा सब इंसान बच्चों पे तो रहम करता नहीं करेगा, खाने का सामान के ऊपर भी पूरा तोड़फोड़ कर दिए। बिल्डर भी 5 साल से क्या पता लापता, हमारा घर था यहाँ, रूम तोड़े। बोले क्या हम तुमको बिल्डिंग में रूम देंगे, कुछ बिल्डर ना पैसा दिए ना रूम दिए। अब हम लोग जिसका हमारा रूम था, हम लोग ने अपना पैसा जमा करके जिस तरीके से हमें से जिंदा हम लोग ने रूम बनाए, अपना अपना पैसा लगाए। बच्चे लोगों को साइड में करे, हमारे सामान का पूरा नाश कर दिया उन लोग ने, खाने का पूरा नाश कर दिया। अब आप ही बताए हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। यहाँ से जो बिल्डर था वो पैसे लेकर फरार हो गया है। ये लोग अपना खुद का पैसा जमा करके यहाँ पे जो घर बनाए थे, लेकिन थाने महानगर पालिका की तरफ से आज कार्रवाई में उनका सारा घर तोड़ गया, सामान को भी उन्होंने पूरा तोड़ दिया गया है। और इनका ये कहना है कि ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से बिल्डर यहाँ पे पैसा लेके फरार हो गया और ये लोग अपने घर अपना खुद का जाति पैसा जमा करके घर बनाए थे, अब उनका जो उनका आशियाना है उनको कहाँ मिलेगा। अब थाने महानगर पालिका की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है कि इनको यहाँ पे दूसरा घर दिया जाए। और बिल्डर लापता होने की वजह से ये लोग रास्ते पर आने पे मजबूर हो गए। आज यहाँ कौसा के चांद नगर इलाके में यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से जो अवैध तरीके से यहाँ पे जो बांध काम चल रहा था, जो घर बना रहे थे, उसके ऊपर थाने महानगर पालिका की तरफ से थोड़ा कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर है जहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यहाँ पे मुमरा पुलिस का खास बंदोबस्त किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई वाक्या पेश ना आए। आज हमारे साथ में से आयुक्त झुंझार परदेसी साहब है, जो ये तोड़क कार्रवाई जो चल रही है उस बारे में उनसे पूछते हैं। सर, ये किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं आज के जो अभी मेरे पीछे जो कार्रवाई चालू है वो टीएमसी का थाने कॉरपोरेशन का रिजर्वेशन प्लॉट है। अगर रिजर्वेशन के प्लॉट के ऊपर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो तोड़ना, उसको पूरा तरह से निष्कासित करना मेरा फर्ज है, इसलिए ये कार्रवाई पूरी ली है। ऐसा है कि जिस जहाँ जहाँ पे कार्रवाई हो रही थी उसमें लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका कुछ कहना है, लोगों का है कि उनको सामान निकालने का ही मौका नहीं दिया गया और छोटे छोटे बच्चे घर में थे। आप तो सामने देख रहे हैं कि हम लोग पहले सामान ठीक है लोग रह रहे हैं, लेकिन वो एक दो दिन में आने वाले आए हैं,
कल संडे था, संडे के दिन में रात को रातों रात उन्होंने रूम में एंट्री किया है, तो उनको निकाल के तो हमको कार्रवाई करना ही है। लेकिन वो अगर पहले से रहते थे, पुराना कंस्ट्रक्शन है तो बात अलग है, लेकिन मेरे सामने अभी दो चार दिन में वो कंस्ट्रक्शन बन रहा है और मैं वैसा ही रखो तो मेरा फर्ज है उसको तोड़ना। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर कार्रवाई की? यहाँ इसके अलावा भी हम लोगों ने चांद नगर में कार्रवाई की, वहाँ चार रूम निकाल के जो फैमिली रहने वाले थे उनको निकाल के कार्रवाई की है। जिस तरीके से आयुक्त जुंजार परदेसी ने बताया कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अवैध तरीके से जो काम बांध काम चल रहा था वहाँ पे थाने मानकर के पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई है, इस बारे में उन्होंने ये भी बताया कि कहीं कहीं पे उन्होंने वहाँ पे बच्चों को और उसको सामान निकालने का भी वहाँ पे उन्होंने मौका दिया है। इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे चांद नगर इलाके में जारी है। इसका पूरा नज़ारा हम आपको अपने हमारे पीछे साइड में दिखा रहे हैं। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।